नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा कि ड्राइवर जो है वो स्टीयरिंग व्हील को गोल घुमाता है तथा आपके टायर जो है वो दाएं बाएं दिशा में मूव करते हैं। तो यह सब प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो यह सब प्रक्रिया जो है वो स्टीयरिंग गेयरबॉक्स के कारण होती है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जोर दबा दें ताकि आपको आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं स्टीयरिंग गियरबॉक्स की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमने स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में जाना था तथा आज की वीडियो में हम स्टीयरिंग गियरबॉक्स के बारे में जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं तथा ये कैसे काम करते हैं। इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम जानेंगे स्टीयरिंग गियरबॉक्स के बारे में कि स्टीयरिंग गियरबॉक्स क्या होता है। तो इसका जो मुख्य काम होता है, स्टीयरिंग व्हील को जब गोल घुमाते हैं तो ये ड्रॉप आर्म को आगे पीछे चलाए, ये काम जो है आपका स्टीयरिंग बॉक्स का होता है। तथा जो है ड्रॉप आर्म ड्रैग लिंक द्वारा स्टब एक्सल से जुड़ी रहती है तथा इसके कारण जो है वो स्टीयरिंग व्हील को दाएं बाएं मोड़ पाती है। तो ये सब जो है काम स्टीयरिंग बॉक्स का होता है कि जब जो है हम स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं, यानी कि ड्राइवर जो है वो स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है तथा स्टीयरिंग व्हील से घुमाने से ड्रॉप आर्म आगे पीछे चलती है तथा ड्रॉप आर्म जो है वो ड्रैग लिंक द्वारा स्टब एक्सल से जुड़ी रहती है। स्टब एक्सल के बाद जो है वो आपके इसी प्रकार स्टीयरिंग व्हील दाएं बाएं मोड़ पाते हैं। तो इसी सब प्रक्रिया को स्टीयरिंग गियरबॉक्स पूरा करता है। अब हम जानेंगे कि स्टीयरिंग बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग बॉक्स के बारे में जानेंगे। तो स्टीयरिंग गियरबॉक्स जो है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि वर्म तथा सेक्टर स्टीयरिंग गियरबॉक्स, वर्म तथा व्हील स्टीयरिंग गियरबॉक्स, वर्म तथा नट स्टीयरिंग गियरबॉक्स, वर्म तथा रोलर स्टीयरिंग गियरबॉक्स, वर्म तथा रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप गियरबॉक्स, कैम लीवर स्टीयरिंग गियरबॉक्स, रैक तथा पिनिंग स्टीयरिंग गियरबॉक्स। तो इन सब के बारे में हम क्लिक करके डिटेल में जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे वर्म तथा सेक्टर गियरबॉक्स के बारे में, यानी कि वर्म तथा सेक्टर स्टीयरिंग गियरबॉक्स क्या होता है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे डिटेल में। तो इस स्टीयरिंग गियरबॉक्स जो है वो स्टीयरिंग शाफ्ट होती है जो कि वर्म के एक सिरे पर लगी रहती है तथा वर्म सेक्टर के साथ मैश होती है। तो उसके बाद जो है जब स्टीयरिंग व्हील को घुमाया जाता है तो इसकी गति वर्म द्वारा सेक्टर को ट्रांसमिट होती है। जब ड्राइवर जो है वो स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है तो इसकी गति जो है वो सेक्टर द्वारा ट्रांसमिट होती है, जिससे सेक्टर जो है वो एक निर्धारित कोण पर घूमती है। सेक्टर शाफ्ट के घूमने के कारण जो है वो क्रॉस शाफ्ट घूमना शुरू होती है। जो आपकी क्रॉस शाफ्ट होती है वो सेक्टर के साथ के कारण घूमना शुरू हो जाती है, सेक्टर के कारण जो है वो क्रॉस शाफ्ट भी घूमना शुरू हो जाती है तथा जो ड्रॉप आर्म से जुड़ी रहती है, आपकी जो है क्रॉस शाफ्ट जो है वो ड्रॉप आर्म से जुड़ी रहती है तथा ये जो है वो लिंकों के द्वारा फ्रंट व्हील को ट्रांसमिट हो जाती है तथा ये गति जो है वो आपकी लिंकेज के द्वारा फ्रंट व्हील को ट्रांसमिट हो जाती है, जिसके कारण जो आपके व्हील टर्न करते हैं, यानी कि आपके टायर जो है वो दाएं बाएं मुड़ पाते हैं। तो ये जो काम होता है ऐसे वर्क करता है आपका वर्म तथा सेक्टर स्टीयरिंग गियरबॉक्स। अब हम जानेंगे वर्म तथा व्हील स्टीयरिंग गियरबॉक्स के बारे में। तो इसमें जो सेक्टर के स्थान पर वर्म गियर का प्रयोग करते हैं तथा इसका सबसे ज़्यादा लाभ ये होता है कि वर्म तथा वर्म व्हील की घिसाई के कारण उत्पन्न होती है बैकलैश इसको जो है वो आसानी से समझित हो सकती है। इसके लिए वर्म व्हील को एसेंट्रिक पोज के ऊपर लगाया जाता है। जब इसके दांते घिस जाते हैं तो वर्म तथा वर्म व्हील के पास में लाने के लिए बुश को एक निश्चित कोण पर घुमाया जाता है। इस गियर के बॉक्स का प्रयोग ज़्यादातर जो है वो ट्रैक्टरों में किया जाता है, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। अब हम जानेंगे वर्म तथा नट स्टीयरिंग गियरबॉक्स के बारे में। तो इस गियरबॉक्स में जो है वर्म तथा स्टीयरिंग कॉलम बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है तथा जब जो है वो स्टीयरिंग व्हील द्वारा स्टीयरिंग कॉलम को घुमाता है तो वर्म भी घूमता है। ये आपको पता ही है कि स्टीयरिंग कॉलम जब घूमता है तो वर्म भी घूमता है तथा वर्म नट के साथ मैश रहता है। जब जो है वो वर्म घूमता है तो नट कॉलम तथा इसके ऊपर तथा नीचे मूव करता है।
यानी कि जब वर्म घूमता है तो नट तथा कॉलम पर ऊपर तथा नीचे यह भी मूव करता है साथ में। यह क्रॉस शाफ्ट को एक चाप को घुमाने के लिए सक्षम बनाता है, जिससे जो है वो ड्रॉप आर्म भी एक चाप में घूमती है। यह मूवमेंट जो है वो फ्रंट व्हील को ट्रांसमिट हो जाती है, जिससे कि आपके टायर जो है वो घूमते हैं यानी कि दाएं बाएं मूव करते हैं। ये जो है आपका वर्म तथा नट स्टेयरिंग गियरबॉक्स काम करता है ऐसे। अब हम जानेंगे वर्म एंड रोलर स्टेयरिंग गियरबॉक्स के बारे में। इसमें जो है वो रोलर के साथ वर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका रोलर सेक्टर के साथ यू के आकार के खांचे में वेयरिंग की सहायता से लगा रहता है। स्टेयरिंग व्हील के घुमाने पर वर्म तथा रोलर घूमकर ड्रॉप आर्म को घुमाती है, जिससे आपके जो है टायर दाएं बाएं मूव करते हैं और घूमते हैं, यानी कि आपके दाएं बाएं दिशा में ये टायर घूमते हैं। ये काम होता है आपका वर्म तथा रोलर टाइप स्टेयरिंग गियरबॉक्स का। इस तरह ये वर्किंग करता है। अब हम जानेंगे वर्म एंड रिसर्कुलेटिंग बॉल एंड नट स्टेयरिंग गियरबॉक्स के बारे में। तो वर्म के ऊपर एक नट लगा रहता है, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है कि वर्म के ऊपर आपको दिख रहा है कि नट लगा रहता है, इसलिए इसे वर्म एंड नट एंड रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप गियरबॉक्स कहते हैं। तो वर्म तथा नट के बीच में बॉल के कई सेट लगे रहते हैं, छोटी छोटी बॉल लगी रहती है इसके बीच में। ये बॉल जो है वो नट तथा वर्म के मध्य जो है फ्रिक्शन को कम करती है। एक सेक्टर बॉल नट के साथ मैश रहता है, यानी कि इसकी एक सेक्टर बॉल के साथ मैश रहती है, यानी कि नट के साथ मैश रहती है इसकी एक सेक्टर बॉल। जब स्टेयरिंग व्हील के द्वारा स्टेयरिंग कॉलम घूमता है, तब बॉल नट वर्म पर ऊपर नीचे मूव करती है, यानी कि बॉल नट पर वर्म जो है ऊपर नीचे स्लाइड करती है, जिससे सेक्टर जो है ड्रॉप आर्म क्रॉस आउट तथा एक चाप में घूमती है, यानी कि एक साइड में ये सब घूमती है। जब मूवमेंट फ्रंट व्हील को ट्रांसमिट होती है, तो ये जो है इसके कारण आपके व्हील जो है वो टर्न करते हैं यानी कि घूमते हैं। ये सब काम है आपका वर्म एंड रिसर्कुलेटिंग बॉल एंड नट स्टेयरिंग गियरबॉक्स का। ऐसे ही आपका वर्किंग करता है। अब हम जानेंगे कैम एंड लीवर स्टेयरिंग गियरबॉक्स के बारे में। इस गियरबॉक्स में जो है वो एक विशेष वर्म लगी रहती है, जैसे कि कैम कहते हैं, जो स्टेयरिंग कॉलम के एंड पर फिक्स रहती है। कैम के ग्रुप में दो लीवर लगे रहते हैं, ये लीवर क्रॉस आउट पर लगे होते हैं। जब स्टेयरिंग व्हील घूमता है, तो आपको पता है कि स्टेयरिंग कॉलम भी घूमता है, जिससे कैम लीवर पर इधर उधर मूव करती है, जिसके कारण क्रॉस आउट भी जो है वो एक चाप पर मूव करती है, यानी कि आपकी क्रॉस आउट भी लीवर के इधर उधर घूमने पर मूव करती है। ये मूवमेंट जो है वो फ्रंट व्हील को ट्रांसमिट होती है, जिसके कारण आपके टायर टर्न करते हैं। ये आपका ऐसे काम करता है आपका कैम एंड लीवर स्टेयरिंग गियरबॉक्स। अब हम जानेंगे रैक एंड पिनियन स्टेयरिंग गियरबॉक्स कैसे काम करता है। तो इस गियरबॉक्स का ज़्यादातर प्रयोग हल्के वाहनों में तथा पावर स्टेयरिंग में होता है। इसमें पिनियन स्टेयरिंग शाफ्ट पर लगा होता है, यह रैक के साथ जुड़ा रहता है। इसके प्रत्येक सिरे पर यानी कि हर एक सिरे पर बॉल जॉइंट लगे रहते हैं, जिससे व्हील ऊपर तथा नीचे की तरफ मूव करते हैं। जब स्टेयरिंग व्हील द्वारा पिनियन शाफ्ट पर घूमती है, तो पिनियन भी घूमता है। तो जैसे ही पिनियन के दांते रैक के दांतों के साथ जोड़ते हैं, तो रैक आगे तथा पीछे मूव करती है तथा व्हील आपके टर्न करते हैं। ऐसा आपका काम करता है रैक एंड पिनियन स्टेयरिंग गियरबॉक्स। इसी प्रकार जो आपका स्टेयरिंग गियरबॉक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।